शिवसेना पंजाब में अखिल भारतीय महासभा की ओर से हिमाचल प्रभारी सतीश महाजन के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल एसपी धर्मशाला संतोष पटियाल से मिला, जिसमें शिष्टमंडल द्वारा एसपी संतोष पटियाल को एक मांग पत्र सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने हिमाचल के भद्रोआ, छन्नी बेली और आसपास के क्षेत्र में चिट्टे और जिस्म फरोशी का कारोबार दिन प्रतिदिन फल फूल रहा है पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। और भद्रोआ में तो आपको पता ही है कि दो लोगों की डेथ भद्रोआ में हुई है, तीन लड़कों की डेथ हुई, दो हिमाचल में, एक पंजाब में। क्या वजह है ये बंद क्यों नहीं हो रहा? हमने पिछले साल में थोड़ा सा बता दूं, और वहां पे जो दुकानें हैं पंद्रोड़ी के पास, जब हम डंडाल से पंद्रोड़ी जाए पुल के पास, पांच छह से आ रही है सांसी है, शराब का काम करते थे पहले। ये पहले इस बार इंजेक्शन जो है इसकी शॉर्टेज के साथ हमने कभी नहीं रहा है। ठीक है, बहुत स्वागत है। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा। कहाँ के रहने वाले? मैं पंजाब से, पठानकोट से। क्या समस्या क्या है? मैं एक नौजवान बेटे की माँ, बागन, मेरा बच्चा एक नशे की लत विच फसा, मेरी एक मांग है थोड़े अगे, मेरे बच्चे का जीवन साथी ठीक करो जी, मेरा बच्चा मरने वाला जी, हे भगवान। क्या कहाँ चला गया नशा? अं दिहाड़ीदार बंदे हैं, कभी वो सिर फोड़ता आन के, कभी कुछ करता है, तो आन के अं साढ़े को जिगरा नहीं हुंदा, तो मरदा जा रहा जी, हमारी फरियाद सुनो। कौन सा नशा करता है वो? ऐ जी नशा चिट्टे का ही करता है, पता नहीं कहाँ से लाता क्या नहीं लाता जी। कितने दिनों से घर नहीं आया वो? आज चार पाँच दिन हुआ घर से नहीं आया। तो पुलिस में आपने कोई कंप्लेंट कराई? कंप्लेंट नहीं कराई जी, अं यो क्या भी साढ़े को पैसे नहीं है, जिते मर्जी अपनी कमाई कर, तेरा नशा कर जाके, साड़ी एक फरियाद की जाए ये नशे नू बंद करो, एक जहर है, साढ़े बच्चे मरते जा रहे हैं, साढ़े रिश्तेदारों के बच्चे मरते जा रहे हैं जी, जे तुम साड़ी मांग पूरी नहीं की, अहीं आन के इतने पड़क पड़क के सिर आते दत्तना चाण के मारांगे अपना, अहीं इतने मर जाएंगे, अपने बच्चे भी मार देंगे आन के, तीन तीन बच्चियां उदियां जी, ये नशे नू बंद करो, जहर नू बंद करो। 32 साल का जी। नाम और आज आपको क्यों एसपी ऑफिस पहुंचे थे? मेरा नाम सतीश महाजन, मैं शिवसेना पंजाब से उत्तर भारत का चेयरमैन हूँ, हिमाचल प्रभारी हूँ और अखिल भारत हिंदू महासभा का लाइव मेंबर हूँ। तो आज आप ज्ञापन दिया है एसपी महोदय को, किस बारे में था? हम आज एसपी साहब धर्मशाला को मिले हैं, जो जहर रूपी चिट्टा बिक रहा है हिमाचल के बॉर्डर और पठानकोट के बॉर्डर पर, दोहा में, डमटाल में, छन्नी में और ये कंदरौड़ी में। अभी 3-4 दिन पहले 2-3 लड़कों की डेथ हो गई थी चिट्टे की वजह से। हम चाहते हैं कि ये चिट्टा जो नशा है इसको ख़त्म किया जाए। आज हम एसपी साहब को मिले हैं, बहुत अच्छा लगा, इन्होंने पूरा रिस्पांस दिया है कि हम इलेक्शन की वजह से थोड़े से बिजी थे, लेकिन अब हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी कुछ यूनिटें जा चुकी हैं और कुछ कल जाएंगे, शायद हो सकता है हम भी साथ जाएं। हमें बहुत खुशी हुई। अगर ये चिट्टा रूपी जो जहर है ख़त्म हो जाएगा तो जो नौजवान हैं उनकी ज़िंदगी बच जाएगी, नहीं तो पंजाब के नौजवानों के लिए बहुत मुश्किल है। लड़कियां और लड़के खूब नशा कर रहे हैं, जे पठानकोट में साथ लगता भद्रोआ है, जहाँ पे एक कृष्णा आश्रम है और साथ में ही रविदास जी महाराज का आश्रम है। देखो धार्मिक जगह के साथ साथ ये नशा बिक रहा है, ये बड़ी ही शर्म की बात है। हम 2 साल पहले वीरभद्र जी को मिले थे, उन्होंने पूरा रिस्पांस दिया था और उस टाइम जे नशे को ख़त्म कर दिया था उन्होंने, और अब ये फिर शुरू हो गया है। मैं चाहता हूँ इनको पकड़ो और पकड़ कर इनको ऐसी सजा दो कि ये लोग दोबारा बाहर आकर ये नशा ना बेचें। हमें विश्वास है कि एसपी साहब अच्छा काम करेंगे और नशे को ख़त्म करेंगे। और इन्होंने बड़ा रेलेवेंट इशू फ्लैग किया है, और सोसाइटी से मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये पहले भी बहुत बार ये चीज़ आप लोगों के माध्यम से भी हमने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है कि हम लोग तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। पिछले साल भी 270 केसेस हमने NDPS के रजिस्टर किए हैं, इस साल भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन जो इसमें और ज़्यादा इसको सफल बनाने के लिए नशे के खिलाफ जो हमारा अभियान है, ये मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है। एक सप्लाई लाइन कट करनी होती है, एक डिमांड वाली लाइन कट करनी होती है। डिमांड की जो लाइन है, डिमांड का जो ऑप्शन है, उसको कट करने के लिए लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ ही ये लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि हम पकड़ भी लेते हैं लोगों को तो अल्टीमेटली ट्रायल उनका चलता है और उनको सजा तक दिलाने तक का जो काम है उसमें पब्लिक का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद ही हूँ कि ये इतने दूर से चल के मेरे पास आए हैं और इनको आश्वासन देता हूँ कि हमने पिछले साल भी काफ़ी सख्ती से इसके खिलाफ काम किया था। इस समय थोड़ा समय हम लोग इलेक्शन वगैरह में बिजी थे, 2-3 महीने, तो उसमें थोड़ा सा शॉप फोर्स की शॉर्टेज थी, लेकिन अभी हमने दोबारा वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी है और पंजाब पुलिस से SSP पठानकोट से मेरी बात हुई है, उसमें हम दोबारा ज्वाइंट ऑपरेशंस करेंगे और जो भी इस तरह का आदमी होगा उसके खिलाफ इमीडिएटली आज से ही हम ऑपरेशन ऑल आउट शुरू करने वाले हैं। जो भी इसमें व्यक्ति इन्वॉल्व हुआ किस तरह से भी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और जो लोग बाहर से आ रहे हैं बेनामी लैंड वगैरह लेके रखे जिन्होंने ली है या किसी के नाम पे आके हम बसते हैं या जिन्होंने गवर्नमेंट लैंड पे इनक्रोच करके इस तरह का धंधा किया हुआ है या जो पाए इसमें पाए जाएंगे, इसमें ऑलरेडी पिछले साल भी हमने DC कांगड़ा से इसमें मैटर टेकअप किया था कि इनको सिंगल आउट करके इनके खिलाफ कार्रवाई करो, जो भी लीगल एक्शन बनता है वो लें। और अब दोबारा हम इनको उसका रिमाइंडर में DC साहब को इसके रिक्वेस्ट भेजूंगा कि इसमें जो भी व्यक्ति हैं जो इस तरह से अनऑथराइज तरीके से रह रहे हैं या बेनामी तरीके से रह रहे हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई उस एंगल से भी हम स्टार्ट करा रहे हैं। इन्होंने इशू फ्लैग किया है, इसमें कार्रवाई करेंगे, वी विल कनेक्ट रेड्स एंड विल टेक एक्शन।